भूतकोला वही रिचुअल है जिसे फेमस इंडियन मूवी कांतारा में दिखाया गया था। कर्नाटका के तुलुनाडु के तुलु आदिवासी ट्रेडिशंस में शामिल एक कला। भूता का मतलब है देवी देवता और कोला का मतलब है खेल या प्रस्तुति, जिसे लोकल डेटीज के सम्मान में परफॉर्म किया जाता है। इस रिचुअल में एक इंसान के शरीर में भूता को बुलाया जाता है और फिर इस कला का प्रदर्शन उस इंसान द्वारा किया जाता है। ये इंसान जो इस रिचुअल में मुख्य भूमिका निभाता है उसे पंबाड़ा कहते हैं। हर भूतकोला रिचुअल में एक विशेष भूता की पूजा होती है, जिसके उद्देश्य के आधार पर भूता का चयन किया जाता है। हर भूता जीवन के अलग अलग पहलुओं से जुड़े होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा या समृद्धि। पंजुर्ली देव भी इन्हीं में से एक है, जिनकी पूजा वराहों के राजा के रूप में किसानों द्वारा की जाती है ताकि वे उनके फसलों की रक्षा करें। भूतकोला को परफॉर्म करने वाला इंसान भूता का रूप लेने के लिए कपड़े और मेकअप पहन लेते हैं, जिसमें सिर पताल और मास्क भी शामिल होते हैं, जो विशेष देवी देवता को रिप्रेजेंट करते हैं। इस ट्रेडिशन में नृत्य और संगीत का विशेष प्रदर्शन शामिल होता है, जो अक्सर ढोलक और ताल वाद्य जैसे पारंपरिक संगीत वाद्यों के साथ होता है। भूतकोला एक कॉम्प्लेक्स और सांस्कृतिक परंपराओं से भरपूर रिचुअल है, जो अध्यात्म, परंपरा और प्रदर्शन कला का एक मेल है। बोनालू प्रमुख रूप से तेलंगाना में मनाया जाने वाला एक प्राचीन साउथ इंडियन ट्रेडिशन। बोनालू में स्थानिक देवी देवता विशेष रूप से यल्लम्मा की पूजा की जाती है, जो महाकाली का रूप है। इस रिचुअल में देवी अपने भक्तों में प्रवेश करती है, जो ज्यादातर औरतें होती हैं। इन्हें जोगिनी या शिव शक्ति कहा जाता है। देवी अपने भक्तों की सहायता करने के लिए इंसानी शरीर में प्रवेश करती है। इसका उदाहरण है बोनालू के अंत में होने वाला एक इवेंट रंगम, जहां एक शिव शक्ति को देवी के रूप में बुलाया जाता है। शिव शक्ति को एक मिट्टी के घड़े पर खड़ा किया जाता है और महाकाली उनके शरीर में प्रवेश कर लेती है। इसके बाद देवी के रूप में शिव शक्ति अपने आने वाले साल में होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करती है और बीते हुए साल में हुई घटनाओं के लिए भी सुझाव देती है। रंगम के अलावा इस फेस्टिवल के दौरान एक यात्रा निकाली जाती है, जिसमें शिव शक्ति और जोगिनियां अपने बोनम को मंदिर तक लेकर जाते हैं। बोनम प्रसाद की तरह होता है, जो कि ये औरतें चावल को गुड़ और दूध के साथ एक मिट्टी या पीतल के बर्तन में पकाती है। इस प्रोसेस के दौरान वो नाच गाना होता है और अपने देवी देवताओं के किस्से सुनाए जाते हैं। बोनालू की प्रक्रिया के दौरान दंडकाम गाया जाता है, जो देवी के लिए शरीर में प्रवेश करने का इनविटेशन होता है। मंदिर के रास्ते में देवी शिव शक्ति के शरीर में प्रवेश करती है और फिर शिव शक्ति पूरे रास्ते नृत्य करती है। नारियल, कद्दू, लौकी या नींबू तोड़कर बुरे भूतों को दूर करने के लिए इस्तेमाल करती है और अपने भक्तों के साथ बात करती है। देवी देवता जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उन्हें हर एरिया में पर्टिकुलर नामों से जाना जाता है। नवरात्रि के दिनों में देश भर में पंडाल सजते हैं, जहां कुछ औरतें देवी के सामने जाते ही उनके पैरों में गिर जाती है और फिर कई बार तलवार और आग से भरा मटका लेकर पूरे पंडाल में घूमने लगती है। उत्तर भारत में इसे माता आना या देवी का आना भी कहते हैं। दक्षिण में अय्यनार देवी देवता गांव की सुरक्षा करते हैं। कुछ विशेष त्योहारों पर वेलिचपाड़ू या ओरेकल्स के रूप में जाने जाने वाले लोगों में अय्यनार देवी देवता आते हैं। कुछ जगहों पर नागों से प्रभावित होने की परंपरा है, जहां भक्तों में नाग देवी देवता आते हैं। इस दौरान वे सांप की तरह रेंगने लगते हैं और उनका बर्ताव बिल्कुल एक नाग की तरह हो जाता है। इनके अलावा भी भारत के हर कोने में ऐसे कई फेस्टिवल्स और परंपराएं हैं, जो कि रूरल एरियाज के साथ साथ अर्बन एरियाज में भी फैले हुए हैं। अब ये तो बात हुई डिफरेंट रिचुअल्स की, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि देवी देवता किसी पर्टिकुलर इंसान को ही क्यों प्रभावित करते हैं। ये एक गहरा राज है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इन बातों का पॉसिबल रीज़न हो सकती है। एक पहला और मुख्य कारण है हमारी आस्था और श्रद्धा। जो इंसान साफ मन से देवी देवता की आराधना करते हैं, उनका मन देवी देवताओं के प्रभावों के लिए वल्नरेबल हो जाता है। दूसरा कारण हो सकता है हमारे जीवन में घटना होने का।
देवी देवता संकेतों के जरिए हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। तीसरा कारण हो सकता है समुदाय या कुल की परंपरा। कुछ समुदायों में देवी देवता द्वारा प्रभावित होने की परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और पीढ़ी से पीढ़ी पास ऑन होती जा रही है। आखिरी कारण है कि देवी देवता किसी इंसान के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए अपने रूप में आते हैं। देवी देवता इंसान की डेडिकेशन को सम्मान देते हैं और इन गुणों से पूर्ण इंसान को प्रभावित करते हैं ताकि उनका कार्य पूरा हो सके और भक्तों की जिंदगी में शांति और समृद्धि आ सके। कई बार ये प्रभाव इतना गहरा होता है कि देवता के शरीर से निकलते ही इंसान बेहोश हो जाता है और फिर उसे भभूत लगाकर या पूजा के जल का छिड़काव करके जगाया जाता है। देवता आना या माता आना का ये अद्भुत पहलू महाभारत काल से चला आ रहा है जो इस परंपरा की प्राचीनता और महत्व का प्रतीक है। भारत में देवता आना या माता का आना एक रहस्यमय परंपरा है जो हमें साइकोलॉजी और साइंस से आगे देखने के लिए चैलेंज करता है। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।